हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। देखिए दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है। अब कुछ वीडियो की मैं एक थोड़ी सी सच्चाई बताता हूँ। हालांकि मैंने भी पहले वीडियो बनाई थी इसी चीज़ को लेके कि ये पेपर आउट हो रहा है, लेकिन आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, फिर इसके ऊपर जो चीज़ें हैं नोटिस करने लायक वो आपको मैं बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस का है या नहीं ये वीडियो, ये कहीं पुराना वीडियो है। तो आप पहले ध्यान से इस वीडियो को देखना, फिर इसकी जो कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं भी वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने वो वीडियो अब रोक दी है क्योंकि मुझे अब पता चला। बिना बायोमेट्रिक के साल एग्जाम करा रहे हैं, आठ दस बच्चों को बैठा के पैसा लेके पेपर करा रहे हो। मादरचोद नौटंकी लगा रखी है यहाँ पे। बंद करो सब, बंद करो। ये लोग पेपर दे रहे थे, देख लो भैया, ये साले पैसा दे दे पेपर दे रहे यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अब इसमें कुछ बातें नोटिस करने लायक। देखिए दोस्तों, पहली बात तो अब कोरोना काल में बिना मास्क के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। अब एग्ज़ाम देते टाइम भी अब मास्क ही पहन के बैठोगे, ठीक है। तो पहली बात ये साबित करती है कि ये दिल्ली पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि अब जो भी बैठेगा एग्जाम सेंटर में तो मास्क पहन के ही बैठेगा। दूसरी बात, इनके एडमिट कार्ड आप जैसे ही देखोगे तो वहाँ पे डबल फोटो लगी हुई है जो कि आपके एडमिट कार्ड में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल में ही होगा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो, और वो पकड़े जा रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, आप डरे नहीं, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, आप बेफिक्र रहिए दोस्तों। यही बताने के लिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। हालांकि मैंने भी इस पे वीडियो बनाए थे लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो इसके बाद में मैंने पूरा एनालिसिस किया। मैंने इसका एनालिसिस करने के बाद में मुझे पता चला कि ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की वीडियो नहीं है, ये कोई पहले की वीडियो है जो वायरल हुई होगी। तो कुछ लोगों ने इसको अब फिर से वायरल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो बिल्कुल लो लेवल पे होगा, जो पकड़े जा रहे हैं लोग ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, डरो मत, अच्छे से एग्ज़ाम दो। जिसके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम अच्छे से करके आओ, सब कुछ अच्छा ही होगा, नहीं जाएगी कट ऑफ ज़्यादा इतनी। पहले मुझे भी लगा शायद ये वायरल हो रही, इसलिए मैंने भी चाहा कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ और मैंने वो वीडियो आपके लिए बनाई। लेकिन अब मुझे लगा कि शायद वो वीडियो गलत है, ये वीडियो अब के एग्ज़ाम की नहीं है, कहीं पहले की होगी। शायद आप समझ चुके होंगे और आप डरे मत, घबराए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जो है अब बिल्कुल आपके सामने है, आप खुद इस चीज़ को पूरा वीडियो को दोबारा देख सकते हो, चला कि आपके सामने क्या है। इसकी सच्चाई यही थी दोस्तों, तो जो सच्चाई मैंने अब तक पहुँचा दी है। जय हिंद, जय भारत।